हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब क्लब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में जो निकाला गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को आपको टाइप करना पड़ेगा यूट्यूब में सर्च बटन पर दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब ट्रेलर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का मेरे लाइक चैनल का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसी हो, चाहे वो आपका गेस्ट फैकल्टी रिलेटेड वैकेंसी हो, या आपका जो है लाइक CSIR रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन, या आपका BSc MSc PhD रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, उन सब के बारे में मैं यहाँ पे वीडियोज डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप CSIR JRF ISMA JRF DVT JRF GATE या नीट या MSc BSc इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हमारे तो नोटिफिकेशन पे, जो ये नोटिफिकेशन है ये आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, ये रिलीज किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर COG/04-1/2021-2022 रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टीचिंग पोजीशन के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट होने का वो है 30 सितंबर 2021, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो है 29 अक्टूबर 2021 शाम 5:30 PM। और यहाँ पे देखिए आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप देख लीजिए कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या होता है सिर्फ ऑनलाइन फिल कर देते हैं लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है 12 नवंबर 2021 इवनिंग 5:30 PM तक। तो ये डेट जो है आपने ध्यान में रखें। अब बात करते हैं हमें टीचिंग पोजीशंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टीचिंग पोजीशन को निकाला गया है, जैसे कि मैं स्कूल की, तो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो आप जिस पे सेंटर में आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने नंबर नेम ऑफ पोस्ट मेंशन करा, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1, 2, ये यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर लिया है कि किस पोस्ट में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी भी मेंशन कर रखा है। तो सपोज अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो देखिए प्रोफेसर के लिए ओबीसी में 1 कैटेगरी है, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 है, असिस्टेंट में 0 है। तो इस वे में आप देख सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे और भी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए और भी सेंटर्स, जैसे सेंटर्स ऑफ फॉर स्टडीज इन सोशल मैनेजमेंट, सेंटर फॉर स्टडीज इन इकोनॉमिक एंड प्लानिंग, ऐसे करके आप देख सकते हैं कि आप किस सब सेंटर में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसे अदर डिसिप्लिन भी है, जैसे आपका स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज में भी यहाँ पे नोटिफिकेशन को निकाला गया। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट वो देखने को मिलेंगे, जैसे स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस, स्कूल ऑफ अप्लाइड मटेरियल साइंसेस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस। तो यहाँ प्रोफेसर की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी निकाली गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन से डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज हैं। तो ऐसे ही मल्टीपल डिसिप्लिन आज देखें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने साइंस की डिसिप्लिन एज वेल एज नॉन साइंस जो बैकग्राउंड की डिसिप्लिन है सब में यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। और ये जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए यहाँ वैकेंसीज को निकाली गई। तो ये एक अच्छी बात है कि आप जिस भी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं या जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए अलग से यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन रखा है। तो अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन मेंशन कर रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पे स्केल का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबका पे स्केल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पे लेवल 10 दिया जाएगा, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13 दिया जाएगा, प्रोफेसर के लिए आपको 14 जो है वो आपका पे लेवल रहेगा। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसीज की अगर टोटल बात करें तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी प्रोफेसर के लिए 18 है, एसोसिएट प्रोफेसर के 29 है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 21। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 68 है, जिसमें से SC में 11, ST में 4, OBC में 15, EWS में 5 एंड अनरिजर्व में 30। इसके अलावा PWBD में टोटल जो 3 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे 68 देखने को मिलेंगी।
अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, प्रोफेसर में आपकी आपको या पीएचडी होना चाहिए, और पीएचडी के साथ साथ आपका मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये अगर पास है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे या आपका कॉलेज लेवल पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए एसोसिएट प्रोफेसर में आपका जो है पीएचडी डिग्री होना चाहिए, मस्ट है, और मिनिमम आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका जो है मास्टर डिग्री भी 55% मार्क्स होना चाहिए ऑन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल, और आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सीएसआई यूजीसी नेट आपका क्लियर होना चाहिए, या आपका उस पर्टिकुलर स्टेट का स्लेट या सेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपका पीएचडी डिग्री जो है वो आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए, आपका पीएचडी थीसिस को एटलीस्ट 2 एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर इवेलुएट किया होना चाहिए, आपका रेगुलर पीएचडी ओपन वाइवा वॉइस होना चाहिए, और एटलीस्ट आपके 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके अपने लाइक थीसिस से, ठीक है। इसके अलावा आपने पीएचडी जो है अपना आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपका जो पीएचडी आपका जहाँ से आपने पीएचडी किया है वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने चाहिए, और जो तो रैंकिंग में कंसीडर की जाएगी वो आपका क्यूएस रैंकिंग की जाएगी, दा रैंकिंग की जाएगी, और ARWE आरबू रैंकिंग की जाएगी, तो इनमें से किसी में भी आपका यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 500 में होनी चाहिए, तभी आप कंसिडर करेंगे यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जो स्कूल है उनके एलिजिबिलिटी दे रखी है, जैसे फॉर स्कूल ऑफ एजुकेशन के लिए यहाँ पे प्रोफेसर की क्या वैकेंसी लाइक के एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो सारा इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो ऐसे ही अब आप जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि आपकी क्या लाइक एलिजिबिलिटी है और क्या इन्होंने जो स्पेशलाइजेशन मांगा है, ठीक है। तो ये सब आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पर, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी आप जरूर देख लें एक बार अप्लाई करने से पहले। तो ये सब सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी है, तो आप जो है ये पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर लिए हैं, ठीक है। तो और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देता हूँ, देखो ये जो है ये आपका जो जब आप अपना हार्ड कॉपी सेंड करेंगे तो आपको जो है ये लाइक जो फॉर्मेट है वो आपको जो एनवेलप पे अपने पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जरूर देख लीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, तो 29 अक्टूबर टिल 5:30 PM, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अटैच करना है, तो इसके साथ आपको अपने CV के साथ एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी आपका जो भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल है वो सारा भी आपको यहाँ पे जो है वो हार्ड कॉपी के साथ अपने सेंड करना है अपने एप्लीकेशन के साथ, तो ये सब चीज़ें आप जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो बात करें एप्लीकेशन फी की, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, वहीं अगर आप OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500, वहीं अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विस मैन या वुमेन है तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फीस हो गई आपके बारे में, बाकी जो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप क्या क्या लाइक गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं वो सारा यहाँ मेंशन कर रखा है, तो आप ये वन बाई वन जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इन्होंने मेंशन किया था एज पर यूजीसी रेगुलेशन मेथोडोलॉजी फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर फॉर कैलकुलेटिंग एपीआई इंडेक्स, तो देखिए कहीं कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो एपीआई इंडेक्स के बेस पे होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो है यहाँ पे एपीआई इंडेक्स बनाया जाएगा जिसमें आपका जो है ग्रेजुएशन, फिर आपका लाइक बोल सकते हैं इस तरह की UG, फिर आपका PG के मार्क्स, फिर आपका जो है नेट के मार्क्स या नेट और JRF का मार्क्स, तो इस टाइप से जो है आपका यहाँ पे जो है API इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आपका रिसर्च आर्टिकल देख सकते हैं, 5 मैक्सिमम होता है, फिर आपका 5 जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस जो 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। 10 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स ईच ईयर का टीचिंग या आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, तो इस टाइप से जो है आपका API इंडेक्स बनाया जाता है, उसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि मोस्टली प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए API इंडेक्स बेस पे सिलेक्शन होता है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मे भी आपका इंडेक्स एग्जाम हो जाता है और इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो कैसे जो है आपको लाइक सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक। ये फॉर्मेट बाकी फॉर्मेट दे रखा है SC ST या OBC सर्टिफिकेट का, तो आपको इस फॉर्मेट में जो है आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इस लाइक के नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी लाइक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।